हाँ बच्चों, अब हेडिंग दीजिएगा, केमिकल रिएक्शंस ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। राइट, अब जो केमिकल रिएक्शंस हैं इसमें आप नोट करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द सीओओएच ग्रुप, केमिकल रिएक्शंस ऑफ द सीओएच ग्रुप में इन्वॉल्व, पहला केस में इन्वॉल्व द ओएच ग्रुप, में इन्वॉल्व द सीओओएच ग्रुप, में इन्वॉल्व द सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, और इट में इन्वॉल्व द अल्काइल मोएटी। राइट, ये चार तरह से रिएक्शंस हो सकती हैं। जो सीओएच ग्रुप होता है राइट, उसमें ओएच ग्रुप की वजह से भी रिएक्शन हो सकती है। राइट, सीओएच ग्रुप की वजह से रिएक्शन हो सकती है, सी डबल बॉन्ड ओ की वजह से हो सकती है, और कोई अल्काइल मोइटी की वजह से रिएक्शन हो सकती है। राइट, तो हम शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले हम एसिडिक नेचर, सबसे पहले हम ले रहे हैं इट इज द एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड इट इज ओ एच। राइट, यह एच पॉजिटिव, काफी ज्यादा इसका एसिडिक कैरेक्टर होता है। राइट, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड इट इज ओ नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव बनाना पसंद करता है। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव बनाना पसंद करता है। राइट, क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, ये कार्बोक्सिलेट आयन अपने आप में रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। इट इज आर सी एंड इट इज ओ नेगेटिव एंड इट इज डबल बॉन्ड ओ। राइट, और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो दोनों कैनोनिकल फॉर्म है, ये वाला जो कैनोनिकल फॉर्म राइट और ये वाला जो कैनोनिकल फॉर्म है, बोथ दीज कैनोनिकल फॉर्म्स आर आइडेंटिकल, आर बोथ सेम, और क्योंकि सेम है इसीलिए उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड बहुत ज्यादा माना जाता है। तो जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है वो कार्बोक्सिलेट आयन अपने आप में रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसीलिए जो रिएक्शन है राइट वो फॉरवर्ड दिशा में जा सकती है, काफी ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर हमारे को मिलता है। राइट, अगर मान लीजिए कि हम जैसे एक केस लेते हैं, एसिडिक नेचर को शो करते हुए मैं आपके सामने एक केस ले रहा हूं। राइट, मान लीजिए कि एसिडिक एसिड की रिएक्शन आपने NaOH के साथ परफॉर्म करे, तो ये जो रिएक्शन है वह रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। दिस रिएक्शन इज शिफ्टेड टू मच इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम एसिटेट CH3COONa प्लस H2O। राइट, क्यों हम ऐसा कहते हैं कि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है? द लॉजिक इज वेरी सिंपल, क्यों? क्योंकि जो एसिटिक एसिड है उस एसिटिक एसिड ने वीकर एसिड को डिस्प्लेस कर दिया। राइट, एक ताकतवर एसिड कमजोर एसिड को डिस्प्लेस कर सकता है, या एक जो ताकतवर बेस है वो कमजोर बेस को डिस्प्लेस करेगा। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। क्यों बहुत ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है? क्यों? क्योंकि एक ताकतवर एसिड ने कमजोर एसिड को डिस्प्लेस कर दिया। अगर हम एसिडिक एसिड की बात करें तो इसकी जो पीके वैल्यू होती है, दैट पीके वैल्यू इट इज इक्वल टू 4.74। द पीके वैल्यू ऑफ द एसिडिक एसिड इट इज इक्वल टू 4.74। और अगर मैं H2O की बात करूं तो H2O की जो पीके वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 15.7। राइट, जस्ट आप देख सकते हैं कि एसिडिक एसिड कई गुना थाउजेंड्स ऑफ टाइम इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू H2O। उसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर मैं पोटेशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाऊं, जैसे कि या सोडियम कार्बोनेट के साथ CH3CH2COOH, मैंने इसके दो मोल लिए और दो मोल लेकर मैंने रिएक्शन परफॉर्म करी सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3, ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। राइट, मतलब यहां पर मिलेगा CH3CH2COO- Na पॉजिटिव, इसके दो मोल आपको प्राप्त होंगे, प्लस
प्लस H2O प्लस CO2, चेक कर लीजिएगा, राइट? या इन दोनों को मिलाकर आप कार्बोनिक एसिड लिख सकते हैं, H2CO3 आप ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि जो प्रोपेनोइक एसिड है वो प्रोपेनोइक एसिड ने कार्बोनिक एसिड को डिस्प्लेस कर दिया, चेक कर लीजिए, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, इट इज एसिड बेस रिएक्शन, राइट? ये जो ये इसने अपना एच पॉजिटिव दिया और एच पॉजिटिव इसने ले लिया तो ये कार्बोनिक एसिड बनेगा। तो ये जो रिएक्शन है यह रिएक्शन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है, या फिर आप अगर ऐसे नहीं तो आप दूसरे तरीके से ऐसे भी शो कर सकते थे कि जैसे एसिटिक एसिड आपने लिया, जैसे कि आपने एसिटिक एसिड लिया CH3COOH प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3 इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2CO3। यह रिएक्शन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, राइट? क्योंकि एसिटिक एसिड एसिड ताकतवर एसिड है एस कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बनिक एसिड। राइट? क्योंकि आपको यह ध्यान में आ रहा होगा ये जो रिएक्शन आपने यहां पर परफॉर्म करी है, राइट? इस रिएक्शन को देखकर आपको एक बात ध्यान में आ रही होगी, एंड दैट इज कि अगर मान लीजिए कि ये रिएक्शन आप फिनॉल के साथ करवाते हैं, अगर यही रिएक्शन आप फिनॉल के साथ करवाते हैं तो यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। जैसे फिनॉल आपने लिया प्लस आपने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन परफॉर्म करी NaHCO3, तो अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी, राइट? मतलब यहां पर ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2CO3 यहां पर ये नहीं बनेगा, राइट? दिस रिएक्शन विल नॉट मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लॉजिक बहुत ही सिंपल है, फिनॉल इज अ वीकर एसिड एज कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बनिक एसिड, राइट? मैं आपको चार कंपाउंड दे रहा हूं एंड आई एम गिविंग यू एसिडिक नेचर, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का काफी ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है, तो आई एम गिविंग यू द फोर कंपाउंड एंड यू हैव टू अरेंज इट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, राइट? द कंपाउंड आर, क्वेश्चन पहले तो नोट कर लेना, अरेंज द गिवन कंपाउंड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज द गिवन कंपाउंड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक कैरेक्टर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, राइट? जो चार कंपाउंड है हमारे पास, राइट? वन इज द C6H5COOH, द सेकंड वन इज द CH3COOH, द थर्ड वन इज द PHOH एंड द लास्ट वन इज HCOOH, राइट? ये चार कंपाउंड है, इसको नाम देंगे हम वन, इसको नाम दिया हमने टू, इसको नाम दिया हमने थ्री और इसको नाम दिया हमने फोर। यू हैव टू अरेंज इट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसको पता हो वो बोल सकता है, माइक लीजिए और बोलिए प्लीज, 1 2 3 4, हाँ जिसको पता हो बता सकता है, राइट? या चेक करिएगा, चलिए मैं बता रहा हूं आपको, जो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा यहां पर दैट इज द फॉर्मिक एसिड, राइट? फोर्थ वाला सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, राइट? फोर सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद आएगा बेंजोइक एसिड, राइट? उसके बाद आएगा एसिटिक एसिड और उसके बाद हमारा आएगा इट इज फिनॉल, राइट? अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करें तो फॉर्मिक एसिड बहुत ज्यादा एसिडिक है, राइट? एस कंपेयर टू दैट ऑफ फिनॉल, एस कंपेयर टू दैट ऑफ फिनॉल, राइट? फॉर्मिक एसिड फोर, फोर के बाद बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड के बाद एसिटिक एसिड एंड देन इट इज फिनॉल, राइट? अगला केस लिखिएगा, अगली रिएक्शन। ये हमने एसिडिक नेचर को जस्टिफाई करते हुए रिएक्शन ली थी, राइट? अगली रिएक्शन को आप नोट करेंगे, इट इज द रिएक्शन विद डायजोमीथेन, रिएक्शन विद डायजोमीथेन,
दूसरी रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद डाइएजोमीथेन, डाइएजोमीथेन राइट, जिसका फार्मूला होता है इट इज सी एच टू एन टू, सी एच टू एन टू राइट। जैसे कि आपने कोई कार्बोक्सिलिक ले रखा है, इससे क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड इट इज ओ एच प्लस। जब आप सी एच टू एन टू के साथ रिएक्शन परफॉर्म करते हैं राइट, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड इट इज ओ सी एच थ्री प्लस एन टू, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाती है और ये आपका मिथाइल एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल एस्टर राइट। मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, मैकेनिज्म आपको बता रहा हूं कि सी एच टू एन टू, सबसे पहले तो इसको हम देखें सी एच टू, इसको इसका जो स्ट्रक्चर है वो सी एच टू डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन राइट, एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, वन टू थ्री फोर एंड इट इज नेगेटिव चार्ज। और अब ये एक फॉर्म हमने शो किया कैनोनिकल फॉर्म, अब इसमें रेजोनेंस है, ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा राइट और ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाएगा, इट मींस ये हो जाएगा दिस विल बिकम सी एच टू एंड इट इज नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन विद ओनली वन पेयर एंड द सेंट्रल नाइट्रोजन इट रिमेन्स पॉजिटिव चार्ज राइट। ये कैनोनिकल फॉर्म चेक कर लीजिएगा आप, एरोस को फॉलो करें, एरो को फॉलो करें, ये बॉन्ड यहां पर आया और ये वाला बॉन्ड सी एच टू नेगेटिव सिंगल बॉन्ड एन पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड है राइट। अब यहां पर क्या हुआ, जो आपने आर सी ओ एच ले रखा था, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन इट इज ओ एच आपने ले रखा था राइट, तो अब यहां पर क्या करेगा, ये जो सी एच टू नेगेटिव है वो सी एच टू नेगेटिव यहां से ये निकाल देगा, एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसने यहां से एच पॉजिटिव ले लिया, इट मींस ये क्या हो गया, अब यहां पर ये हो गया R C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O नेगेटिव प्लस सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड इट इज पॉजिटिव चार्ज राइट। अब ये जो एसीटेट आयन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाएगा, इट मींस नाइट्रोजन गैस निकल गई, नाइट्रोजन गैस निकल गई और ये हो गया हमारा R C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O CH3 राइट ये आपका मिथाइल एस्टर बन चुका है राइट। वो डिपेंड करेगा, वो एस्टर कौन सा है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आर ग्रुप कौन सा है आपका राइट। तीसरी रिएक्शन हम ले रहे हैं, थर्ड रिएक्शन, बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है बच्चों, आपको एकदम से समझ में आ गया होगा ये क्या हो रहा है यहां पर राइट। अब अगला है द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड राइट। जैसे कि आपने मान लीजिए कि प्रोपेनोइक एसिड ले रखा है, प्रोपेनोइक एसिड के आपने दो मोल लिए सी एच थ्री सी एच टू एंड इट इज सी डबल बॉन्ड ओ एंड इट इज ओ एच, और अब आपने इसकी रिएक्शन परफॉर्म करी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सी एच थ्री C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3 राइट। हाई टेम्परेचर के ऊपर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हाई टेम्परेचर के ऊपर आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, पानी का मोल निकल जाएगा, ये माइनस ऑफ H2O हो गया एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 राइट। ये आपका सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है राइट, जिसको आप कहते हैं प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, दिस इज योर प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड
राइट अब सवाल ये उठता है कि एसिडिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर के ऊपर होती है, राइट आज ही हमारी बात हुई है कि जो एसिडिक एनहाइड्राइड है वो एसिडिक एनहाइड्राइड अपने आप में H2O को निकालने में भी काम आता है, राइट इसने H2O निकाल दिया रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। अब सवाल ये उठता है कि एसिडिक एनहाइड्राइड आप कैसे बनाओगे, इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको एसिडिक एनहाइड्राइड की जरूरत पड़ेगी, राइट ये एसिडिक एनहाइड्राइड आप कैसे बनाएंगे। तो इसका बनाने का तरीका क्या है कि पहले आप जैसे आपने एसीटोन लिया CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एंड इट इज अ CH3 राइट, और इसको आपने हाई टेम्परेचर के ऊपर आपने Fe वायर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन आप परफॉर्म करते हैं तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कीटीन CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। मैं क्या बता रहा हूं बच्चों, एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनाओगे, राइट उसकी विधि बता रहा हूं मैं आपको। तो ये आपने कीटीन बनाया CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O कीटीन प्लस मीथेन गैस निकल गई CH4 गैस के रूप में निकल गई। इतना हाई टेम्परेचर है, बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, तकरीबन 600-700 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन परफॉर्म करवाते हुआ राइट। तब इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर मीथेन काफी आसानी से निकल जाएगी राइट, और ये कीटीन का फॉर्मेशन होगा, कीटोन का इन राइट, जिसको कीटीन आप कहते हैं। अब ये जो कीटीन है राइट, अब जो मैं बात कह रहा हूं वो सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ये जो कीटीन है, कीटीन की जो रिएक्शन है वो बिल्कुल ऐसी मानी जाती है जैसे कि एक नॉर्मल अल्कीन बिहेव करता है। नॉर्मल अल्कीन की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल अल्कीन के अंदर आप मार्कोनिकोफ्स एडिशन परफॉर्म करते हैं, नॉर्मल अल्कीन के अंदर राइट आप मार्कोनिकोफ्स एडिशन परफॉर्म करते हो राइट, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट हमारे को मिलता है राइट। उसी तरीके से यहां पर भी जो कीटीन है उस कीटीन के अंदर राइट आप नॉर्मल मार्कोनिकोफ्स एडिशन परफॉर्म करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड हमारे को बनाना था। तो अब यहां पर क्या करेंगे, ये जो कीटीन है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O इसकी रिएक्शन आप एसिटिक एसिड के साथ करवाएं, HO C डबल बॉन्ड O CH3 ध्यान आ रहा होगा ये आपका एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड अपना H पॉजिटिव देगा, ये H पॉजिटिव का अटैक आप यहां पर करवाएंगे, ये H पॉजिटिव का अटैक। मार्कोनिकोफ्स का नियम क्या कहता है, मार्कोनिकोफ्स का नियम ये कहता है कि H पॉजिटिव वहां पर जाएगा जहां पर ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं अक्रॉस द डबल बॉन्ड राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो H है वो H का अटैक आप CH2 पर करवाएंगे राइट, जिसकी वजह से ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O C डबल बॉन्ड O एंड इट इज CH3। सर ये बड़ा अजीब सा बना दिया आपने, ये क्या बना दिया, ये एसिटिक एनहाइड्राइड बना दिया हमने CH3 C डबल बॉन्ड O O। जब एसिटिक एसिड में से H पॉजिटिव निकल गया, तो जब एसिटिक एसिड में से H पॉजिटिव निकल गया तो पीछे रह गया था एसीटेट आयन, वह एसीटेट आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ जुड़ेगा। मैंने क्या बोला बच्चों कि मार्कोनिकोफ्स एडिशन आपको परफॉर्म करना है अक्रॉस द डबल बॉन्ड, और मार्कोनिकोफ्स एडिशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो H पॉजिटिव वहां पर अटैक करेगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं राइट, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द एसिटिक एनहाइड्राइड, ये आपका बन जाएगा। और ये एसिटिक एनहाइड्राइड फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं राइट सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड बनाने के लिए। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया है एसिटिक एनहाइड्राइड बनाने का राइट। अगली रिएक्शन में ले रहा हूं, द नेक्स्ट रिएक्शन इट इज द रिडक्शन रिएक्शन। ये कौन से नंबर की रिएक्शन होगी हमारी, फोर्थ नंबर की रिएक्शन, इट इज द रिडक्शन रिएक्शन। राइट इसमें R
CH2, C double bond O and it is OH. ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. इसकी रिएक्शन अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ परफॉर्म करेंगे तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ आर CH2CH2OH. कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको, अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन परफॉर्म करेंगे राइट तो कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, इट इज नो रिएक्शन. कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं कर सकता है. दिस इज क्लियर कट द केस ऑफ रिडक्शन रिएक्शन. ये रिडक्शन रिएक्शन का केस है राइट. अगर मान लीजिए कि हमारे पास होता R CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH, और अब आप इसको ट्रीट करवाते लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ LiAlHF4 के साथ अगर आप ट्रीट करवाते तो यहां पर मिलता हमारे को R CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड इट इज CH2OH राइट. ये हमारा दूसरा केस था, मतलब रिडक्शन रिएक्शन में ये मेरा फर्स्ट केस था राइट, और ये सेकंड केस है. अगर मान लीजिए कि हमारे पास तीसरा केस में ले रहा हूं, अगर मान लीजिए हमारे पास है हियर इट इज CH2 एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH, और अब आपने इसको LiAlH4 के साथ ट्रीट करवाया तो जिस समय आप इसको LiAlH4 के साथ ट्रीट करवाएंगे तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH2 एंड हियर इट इज CH2 एंड इट इज OH राइट. दिस आर द दीज द थ्री रिएक्शंस शोइंग द रिडक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. नेक्स्ट में ले रहा हूं, नेक्स्ट केस हम ले रहे हैं, इट इज द रिएक्शन विद, नोट करेंगे रिएक्शन विद PCl5 PCl3 एंड SOCl2. रिएक्शन विद PCl5 PCl3 एंड SOCl2 राइट. इसके अंदर अगर आप PCl5 के साथ अगर आप ट्रीट करवाते हैं और PCl3 के साथ ट्रीट करवाते हैं और SOCl2 के साथ अगर आप ट्रीट करवाते हैं तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ R C डबल बॉन्ड O एंड इट इज Cl राइट. एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द एसिड क्लोराइड. राइट, नेक्स्ट रिएक्शन, सिक्स्थ रिएक्शन राइट. आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, इसीलिए आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन द थिंग्स राइट. बार बार एक्सप्लेन करना ठीक नहीं बच्चों राइट. OH ग्रुप हटा देंगे और वहां पर आप Cl लगा देंगे. PCl5 का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, PCl3 भी कर सकते हैं और SOCl2 भी कर सकते हैं राइट. नेक्स्ट वन, इट इज द फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. एस्टरिफिकेशन रिएक्शन राइट. इसके अंदर R C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH प्लस कोई आपने अल्कोहल लिया HOR- अल्कोहल लिया इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव राइट. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं अल्कोहल के अंदर, अल्कोहल फिनॉल ईथर में, अल्कोहल के अंदर मैंने बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस किया है राइट. कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये OH और यहां से H निकलेगा राइट, माइनस ऑफ H2O रिवर्सिबल रिएक्शन मानी जाती है, माइनस ऑफ H2O इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ R C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OR- R C डबल बॉन्ड O इट इज OR- रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन